दिल्ली से 260 रुपए की चाय पत्ती मंगाकर जबलपुर के बुक ब्रांड रेड लेबल के नाम से 470 रुपए में बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी पहले भी एक्सपायरी डेट के सामान पर डिजिटल मशीन से नई डेट लगाकर बेचने पर गिरफ्तार हो चुका है। उस पर रसुका की भी कार्रवाई हो चुकी है। जेल से छूटते ही फिर से वह अवैध कारोबार में कूद पड़ा। इस प्रकार की नकली चाय पत्ती को वह जबलपुर सहित महाकौशल के आसपास के जिलों में बेच रहा था। आरोपी के घर, गोदाम व दुकान से 3 लाख रुपए की कीमत की नकली ब्रुक ब्रांड रेड लेबल चाय पत्ती जब्त की गई है। एएसपी रोहित काशवानी के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि माल वह दिल्ली से मंगवाता था, वहां से उसे 260 रुपए प्रति किलो की दर से चाय पत्ती मिल जाती थी। इसे वह 470 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता था, जबकि ब्रांड वाली असली चाय पत्ती की कीमत 390 रुपए प्रति किलो है, जो दुकानदार 490 रुपए तक बेचते हैं। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है और पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। ब्रुक बॉन्ड कंपनी जो चाय बनाती है रेड लेवल चाय, उसके जो यहां पे ऑथराइज्ड एजेंट है अनिल मल्होत्रा, उन्होंने एक शिकायत की कोतवाली में कि शाश्वत ट्रेडर्स जो गलगला में हैं, मिस्टर प्रकाश चांदवानी जिसके संचालक हैं, जो धमापुर में रहते हैं, वो नकली ब्रुक बॉन्ड रेड लेवल की चाय को असली बताकर लोगों को बेच रहे हैं। कोतवाली थाने से टीआई कोतवाली और स्टाफ के द्वारा, सब इंस्पेक्टर टेकचंद के द्वारा जब वहाँ पे रेड किया गया, तो वहाँ पे लगभग 1.5 लाख रुपए की 20 पेटी नकली हूबहू ब्रुक बॉन्ड लेवल रेड लेवल चाय की 20 पेटियाँ जब्त हुई हैं, जिसमें आधा किलो और 500 ग्राम 250 ग्राम ऐसे बॉक्सेस हैं। और जो उनके वो एजेंट थे मिस्टर मल्होत्रा, उन्होंने उसको चेक किया और बताया कि पूरा माल नकली है। नकली माल होने के कारण प्रकाश चंद्रवानी के खिलाफ धारा 420 और 51/63 कॉपीराइट एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।